हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोयल खान यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के इस प्रति महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है आपकी परीक्षाओं को लेकर और आपके नए एडमिशन को लेकर। पीजी कोर्सेज में भी आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं अगले 2 दिन में, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देख लीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोयल खान यूनिवर्सिटी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो यहाँ पर लाते रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके पीजी कोर्सेज में एडमिशन को लेकर। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, रोयलखंड विश्वविद्यालय परिसर के प्रस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश जो है वो शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है महात्मा ज्योतिबा फुले रोयलखंड विश्वविद्यालय ने परिसर। परिसर का मतलब है यूनिवर्सिटी कैंपस। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एडमिशन मिलेगा, और उसमें भी मेरिट बेस पर एडमिशन मिलेगा। जिस तरह से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है मेरिट बेस पर, इसी तरह से यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा पीजी कोर्सेज में आपको। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में संचालित होने वाले प्रस्नातक कोर्सेज लाइक एमए, एमएससी और डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के संबंध में जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपको दिनांक 18 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद मेरिट के आधार पर प्रवेश लिए जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लॉग चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। नया ब्लॉग आ चुका है, आप ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहीं पर आपको उसी कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, फेसबुक की लिंक, टेलीग्राम लिंक, सारी लिंक आपको उसी कमेंट के अंदर मिल जाएंगे। बस आपको सी मोर पर क्लिक करना है और सारी लिंक का जो फ़ायदा है वो उठा लेना है। ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है, संकायाध्यक्ष शैक्षणिक एवं समन्वयक प्रवेश सेल प्रोफेसर एस के पांडे ने बता दिया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में संचालित एमएससी के रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो पंजीकरण है वो शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कैंपस में भी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जहाँ पर भी एडमिशन लेना आप वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको परेशान नहीं होना है, और यहाँ पर ये एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी अपडेट आ रही है। एक साथ पहुँचे कई हज़ार छात्र तो बिगड़े हालात। ये तभी होता है जब आपका या तो इन्वायरमेंट का पेपर होता है या स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है, इन दो पेपरों में ये समस्या उत्पन्न होती है। बरेली कॉलेज से इस वक्त की बड़ी अपडेट आती होगी। तो पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा के दौरान भगदड़ मच चुकी है और लड़कियां यहां पर गिर भी गई थी। फिलहाल ये तो वहां पर देखने वाली बात होगी। अभी यहां पर आप देख सकते होंगे स्नातक की पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा में एक साथ 8,500 छात्रों के बरेली कॉलेज पहुंचने में व्यवस्था बिगड़ गई। व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट छात्रों को कक्ष ढूंढने में भी दिक्कत हुई। सुबह 7 बजे से शुरू हुई परीक्षा में छात्रों को 9 बजे तक प्रवेश देना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक कि पेपर भी कम पड़ गए, और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि पेपर तक कम पड़ गए, ऐसे हालात उत्पन्न हो गए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज प्रशासन को जानकारी नहीं होती है कि कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स या तो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देते हैं या सेकेंड ईयर में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं या थर्ड ईयर में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, 3 साल में आपको इन्वायरमेंट का पेपर जो है वो एक बार क्लियर करना कंपलसरी होता है। ठीक, ये इन्वायरमेंट वाला पेपर आपको 3 साल में एक बार क्लियर करना कंपलसरी होता है अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में, बीए, बीएससी और बीकॉम में। इसी तरह से एक दूसरा पेपर होता है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का, ये वाला पेपर तो आपको 3 साल क्लियर करना होता है तभी आपको डिग्री मिलती है। स्पोर्ट्स का पेपर, स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर 3 साल आपको लगातार क्लियर करना होगा, और इन्वायरमेंट का पेपर आपको 3 साल में से किसी भी 1 साल क्लियर करना होता है। तो अब स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में ही दे देते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में, कई सारे स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में। अब यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रशासन को ये जानकारी नहीं होती कि आप कौन सी ईयर में एग्जाम देने आएंगे, जिस वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर ये भी जानकारी आ रही है कि यहाँ तक कि पेपर भी कम पड़ गए और छात्रों के जो पेपर है उसकी शेयरिंग करनी पड़ गई। परीक्षा कक्ष पहुँचने की जल्दबाजी में भगदड़ मची तो 3 छात्रों की गई, वहाँ मौजूद शिक्षकों ने उन्हें गाड़ी से कक्ष तक पहुँचाया। जब परीक्षा छूटी तो दोनों गेट पर जाम लग गया, और इसके साथ ही आपको पता ही होगा एमजीपी रोयलखंड विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा शनिवार को निर्धारित की थी। बरेली कॉलेज में स्वयं के साथ कुछ अन्य कॉलेजों के केंद्र भी थे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, यहाँ पर सभी ईयर की परीक्षा एक साथ थी। अगर आप फर्स्ट ईयर में परीक्षा देना चाहते थे तब भी आपका यही दिन था, सेकेंड ईयर में देना चाहते थे तब भी वही सेम डे था, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स का भी सेम डे था। अब यहाँ पर संख्या तो बढ़ना लाजमी है। परीक्षा में द्वितीय और तृतीय वर्ष के संस्थागत और व्यक्तिगत
8,500 जो छात्र है वो परीक्षा देने पहुंच गए। परीक्षा के लिए कॉलेज में 140 कमरों में बैठने की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा में करीब 250 कक्ष निरीक्षक, 80 शिक्षक, सचल दल और अन्य व्यवस्था में लगाए गए थे। प्राचार्य के सख्त आदेश के बाद भी कई शिक्षक जो है वो अपनी ड्यूटी करने नहीं पहुँचे। इसके साथ ही आपको पता ही होगा बहुत जल्दी आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। उन स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है जो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में, इन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं भी आगामी 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, सारी जानकारी चैनल पर अपलोड कर दी गई, बस आप लोगों को वीडियो देख लेना है। बाकी जो भी अगली अपडेट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, बस आप लोग हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।